ये वो आरोपी हैं जिनकी कायराना करतूत का पुलिस ने खुलासा किया है। इन्होंने सिर्फ इसलिए एक माँ बेटे का कत्ल कर दिया कि उन्होंने इन्हें चोरी करते देखा था, यानी देखने की इतनी बड़ी सजा सुनाई कि उनकी जिंदगी ही छीन ली, लेकिन अब इन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है। ये पूरा मामला फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र के रूसी गांव का है, जहां 28 जून की रात माया देवी और उसके बेटे सत्यम अवस्थी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का खुलासा करते हुए पड़ोस के दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस को हत्या में इस्तेमाल सामान मिला है। 30 जून को तड़के लगभग 3 बजे ग्राम रूसी थाना बकेवर क्षेत्र अंतर्गत एक महिला और एक युवक की नृशंस तरीके से हत्या की घटना कारित की गई थी। उक्त घटना में पुलिस ने गहराई से छानबीन करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आलाकत और घटना के समय पहने हुए वस्त्र, खून लगे हुए चप्पल इत्यादि बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी पंकज शिवम और मृतक सत्यम अवस्थी तीनों दोस्त थे। तीनों ई रिक्शा चलाते थे। सत्यम अक्सर कम रुपयों में बुकिंग और सवारियों को ले जाता था। इसे लेकर पंकज और शिवम में नाराजगी थी, इसलिए उनका मकसद था कि ई रिक्शा चोरी कर उसका व्यवसाय खत्म कर दे। और जिस दिन वो रिक्शा चोरी करने के इरादे से उसके घर में घुसे तो सत्यम और उसकी माँ ने उन्हें देख लिया। फिर पकड़े जाने के डर से उन्होंने दोस्त और उसकी माँ की हत्या कर दी। पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि घटना का कारण ई रिक्शा चलाते समय आपसी प्रतिद्वंदिता को लेकर यह घटना कारित की गई और आरोपी गणों द्वारा पहले ई रिक्शा को चुराने हेतु तो उसकी चाबी लेने का प्रयास किया गया, जिसके विरोध में पहले महिला की इनके द्वारा नृशंस तरीके से गला दबा दिया गया और तदुपरांत पास में उपलब्ध ईंट से उनकी हत्या कारित कर दी गई। विरोध करने पर उनके पुत्र की भी हत्या कारित कर दी गई। दोनों आरोपी युवक वादी के पड़ोसी हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं। फतेहपुर डबल मर्डर का खुलासा करने के साथ ही एसपी ने पुलिस टीम को पुरस्कृत किया है। हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को इनाम के तौर पर 15,000 रुपए की राशि दी है।